हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि अगर आपको अब्रॉड से MBBS करना है, यानी कि फॉरेन से MBBS करना है, तो मैंने आपको एक नंबर दिया था, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और उन्होंने पूछा था कि भैया MBBS अब्रॉड ही क्यों, क्या इसके एडवांटेज हमें मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाई MBBS अब्रॉड, कि MBBS अब्रॉड से हमें क्यों करना चाहिए और इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले इसका एक ही डिसएडवांटेज है और वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है कि आपको आपके घर से काफ़ी दूर रहकर जो है वो MBBS की स्टडी करनी पड़ेगी और अपनी लाइफ के 4 से 5 साल वहाँ पर आपको बिताने पड़ेंगे। अगर इस डिसएडवांटेज को आप झेलने के लिए तैयार हैं तो बाकी सारे जो रह जाते हैं वो आपके लिए एडवांटेज ही एडवांटेज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या इसमें एडवांटेज हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले लो मार्क्स, पहला एडवांटेज। इंडिया में अगर आपके 200 से कम मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना तो भूल जाइए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अगर आप 200 से कम मार्क्स लेके जाते हैं तो आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। कितनी ज़्यादा होने वाली है वो किसी भी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पता कर लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा, आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा। दूसरा एडवांटेज इसका है कि आपको अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, वो भी लो कॉस्ट में। अब लो कॉस्ट कितना, काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं यार, फॉरेन के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 10 लाख से आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो 10 लाख मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी 4.5 साल की फीस है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख आपको एक साथ देनी है, जी नहीं, ये फीस आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी है 4.5 साल में। तो आप देख लीजिए आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो कि आपके 10 से 15 लाख आपसे एक साथ ले, तो आपको इंस्टॉलमेंट से धीरे धीरे पे करनी पड़ेगी। तो इतना जो आपका बोझ आता है ना वो आप पर, वो इसका फीस का नहीं आने वाला और बेहतर एजुकेशन मिलने वाली है यार। 10 से 15 लाख तो वैसे ही कोई सा भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में आपसे ले लेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। ठीक है, तीसरा इसका एडवांटेज, और आप इसे एडवांटेज मान लीजिए या फिर एवरेज मान लीजिए, वो है नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेशनल एग्जिट टेस्ट। NCC एक नया रूल लेके आया है जिसके अंडर पहले क्या होता था कि आपको नीट का एग्ज़ाम पास करना है, 4.5 साल की MBBS करनी है, उसके बाद आपको आपकी डिग्री दे दी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपको 4 से 4.5 साल MBBS में बिताने होंगे। ये सब करने के बाद लास्ट में आपको एक नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा। उस नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई होते हैं फिर ही आपको MBBS की डिग्री दी जाएगी, अदरवाइज़ आपको MBBS की डिग्री नहीं मिलेगी। अब ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो इंडिया में जो MBBS कर रहे हैं उन स्टूडेंट को भी देना पड़ेगा, और जो फॉरेन से MBBS करके इंडिया आए हैं स्टूडेंट उनको भी देना पड़ेगा। तो ये तो एवरेज है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए कंपलसरी है, ये तो देना ही पड़ेगा। तीसरा, आपको एक अच्छा स्टडी के लिए एनवायरनमेंट मिल जाता है। एनवायरनमेंट मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि फॉरेन का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, तो आपको एक अच्छा लो कॉस्ट में स्टडी एनवायरनमेंट मिल जाता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा नहीं है यार, 5 से 10 हज़ार आपकी मंथली पड़ेगी, ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं पड़ने वाली, इतना तो यहाँ पर भी रहता है। अगर हम रूम लेके भी रहें ना तो 4 से 5 हज़ार किराया नॉर्मल रूम का भी रहता है, तो 5 से 10 हज़ार मंथली आपको इसकी कॉस्ट पड़ने वाली है वहाँ पर रहने की, और ये 5 से 10 हज़ार में आपका खाना पीना भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ड्यूरेशन सेम है यार, इंडिया में भी 4.5 साल की MBBS है और फॉरेन में भी 4.5 साल की, लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें 6 साल रहता है इसका ड्यूरेशन, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 4.5 साल ही इसका ड्यूरेशन रहता है। तो ये कुछ एडवांटेज है अगर आप अब्रॉड से MBBS करते हैं तो, ये एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। डिसएडवांटेज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि आपको घर से दूर रह के जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए आपको इंडिया के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है या फिर अब्रॉड करके MBBS में जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राइवेट कॉलेज वर्सेस MBBS अब्रॉड पर भी वीडियो बनाऊं तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं MBBS अब्रॉड करने को तो मैं नीचे एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर सिंपली आप मैसेज कीजिएगा MBBS अब्रॉड, उसके बाद हमारी जो पूरी की पूरी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, आपको पूरा प्रोसेस समझा देगी, आपको जिस भी कंट्री में जाना है उस कंट्री के मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट में
उस कॉलेजेस के क्या क्या एडवांटेज है, उसमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ आपको मिलने वाली है वो मिल जाएगी, उस मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है वो सारी की सारी जो डिटेल है वो आपको दे दी जाएगी। एंड यार फॉरेन की जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें आपका एडमिशन होने वाला है वो सारे के सारे कॉलेजेस MCC अप्रूव्ड है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी फेक MBBS आपको नहीं करवाने वाले, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी, होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कमेंट्स में ही उन क्वेश्चंस का रिप्लाई आप सबको दे दूँ। बाकी यार ऐसी ही वीडियोस एंड एजुकेशन डिटेल्स आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।